क्या होता अगर ब्रिटिशर्स कभी इंडिया आए ही ना होते, भारत कभी गुलाम बना ही ना होता। इकोनॉमिकली 18th सेंचुरी में इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का 23% कवर करता था। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थे और इंडिया को प्रेशियस मेटल्स का सिंक बोला जाता था। हम अपना खुद का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेकर आते और इंडिया इकोनॉमिकली ज्यादा प्रॉस्परस होता। पॉलिटिकली हो सकता है कि इंडिया को मराठा रूल करते, जो कि उस समय सबसे ज्यादा ताकतवर थे, या हो सकता है कि सिख, राजपूत और मैसूर जैसे पावरफुल किंगडम एग्जिस्टेंस में होते। हो सकता है कि फ्रेंच या पुर्तगीज जैसी कोई और पावर भारत के ऊपर कब्जा जमा लेती। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पॉसिबली लेट हो सकते थे और इंडिया की सोसाइटी थोड़ी कंजर्वेटिव हो सकती थी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में जो एनमिटी हमें आज देखने को मिलती है, वो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का रिजल्ट है। अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पर ना होते तो हिंदू और मुसलमान इतने दुश्मन भी ना होते, और हो सकता है कि इंडिया के पास एक यूनाइटेड भारत होता जिसमें प्रेजेंट का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी होते।